बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों से लेकर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 13 से 17 अक्टूबर के बीच ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं तो कहीं मंदिर से लेकर पंडाल तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यह हिंसा अभी थमी नहीं है। वहीं अब हिंसा को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। हिंसा को लेकर अपना बचाव करते हुए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच हमने चिटगांव में रहने वाले टीपू डे से खास बातचीत की। टीपू ने हमसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की। उन्होंने हमें जो कुछ बताया वो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि पूजा मंडप में पवित्र कुरान का अपमान हुआ है, जिसके बाद देखते ही देखते हिंसा की खबरें आने लगी। अपनी 28 साल की उम्र में अभी तक ऐसी हिंसा नहीं देखी थी। हिंसा के दौरान मंदिरों पर हमले हो रहे थे, घरों को आग के हवाले किया जा रहा था। हमला करने वालों को जो मिल रहा था वो ले जा रहे थे। पैसा, मवेशी, जो भी उन्हें दिखा वो ले गए। सरकार कह रही थी कि हम स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात एकदम उल्टे थे। अभी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू बहुत डरे हुए हैं। हम पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है और हम बांग्लादेशी हैं। हम यही सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ हिंदुओं को सरकार के सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। कई इलाकों में पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में ले लिया, लेकिन हमें कम्युनल फोर्सेस से खतरा है। यहाँ हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि हिंसा करने वालों को पहचान लिया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। हम डर और दहशत में हैं। इसके अलावा हमने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के जाने माने वकील राणा दास गुप्ता से भी बातचीत की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश के हालात मौजूदा अफगानिस्तान की तरह बनने की तरफ जा रहे हैं। साथ ही कहा कि यहां अल्पसंख्यकों में हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हमले भी हिंदुओं को ही झेलने पड़ रहे हैं। सरकार की अब तक की कोशिशें हमें बचाने में नाकाफी रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई हों। इस तरह खौफ के साए में जीने के पीछे की वजह ये भी है कि हिंसा के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद कम हो रही है। साल 1947 में हिंदुओं की आबादी करीब 29% थी, जो 73 साल में सिमट कर सिर्फ 8% रह गई है। जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।